टुडे इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट फीमोरल कैनाल। आज के जो इस वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा फीमोरल कैनाल। इससे पहले हमारे चैनल पे जो लोअर लिम एनाटॉमी की प्लेलिस्ट चल रही है उसी सीरीज़ का ये चौथा टॉपिक है, ठीक है, चौथा वीडियो है जो आ रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने आपके साथ फीमोरल ट्रायंगल और उसी के साथ में फीमोरल शीथ आपके साथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसी के कॉन्टिन्यूशन में फीमोरल ट्रायंगल के साथ ही ये टॉपिक भी एसोसिएटेड है, ठीक है, फीमोरल शीथ एंड फीमोरल कैनाल, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लास्ट टाइम में जो आपके फाइनल प्रॉफ के समय में है ना, और बाकी आपका जब भी पीसीटी पीसीवी उसमें भी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक और कोई आपको जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है वो भी अगर आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो लाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फीमोरल कैनाल, देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कह रहा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अबव शॉर्ट नोट। मतलब हमने आपको एक जो प्रीवियस वीडियो हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था उसमें एक डायग्राम हमने आपको शो किया था, वो हम आज फिर से शो कर देंगे। वो इससे पिछली वाली पेज में है, वो हम आपको आखिरी में शो करेंगे। पहले हम आपके साथ सारा थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फीमोरल कैनाल, दिस इज द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीथ। मतलब कि ये मीडियल कंपार्टमेंट है फीमोरल शीथ का। हमने जैसा कि पहले भी हम आपसे डिस्कस कर चुके थे उस डायग्राम में, ठीक है। इट्स शेप इज कोनिकल, डायमेंशन इट इज वाइड एट बेस एंड नैरो बिलो, ठीक है। जब अभी हम आपको डायग्राम शो करेंगे तो ऊपर की तरफ जो होगा जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वाइड होगा वो होगा इसका वाइड एरिया और उसी को हम कहेंगे बेस, और नीचे की तरफ नैरो बिलो एरिया। अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड एट बेस। बेस के समय पे ये 1.5 सेंटीमीटर वाइड होगा और टोटल जो इसकी लंबाई होगी वो भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगी किसकी, फीमोरल कैनाल में, ठीक है। बेस इज ऑल्सो नोन एज फीमोरल रिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो पॉइंट्स होते हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो ही है फीमोरल रिंग। फीमोरल रिंग, फीमोरल कैनाल, फीमोरल शीथ, द बेस ऑफ फीमोरल कैनाल इज नोन एज फीमोरल रिंग, ठीक है। इट इज़ द अपर एंड ऑफ फीमोरल कैनाल एंड इट इज़ वाइडर। मैं आपके साथ ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये अपर एंड ऑफ फीमोरल कैनाल होती है एंड इट इज़ वाइडर। दिस इज़ अ वीक पॉइंट इन लोअर एब्डोमेन एंड द साइट ऑफ फीमोरल हार्निया, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दिस इज़ अ वीक पॉइंट इन लोअर एब्डोमेन, मतलब नीचे जो एब्डोमेन के नीचे का जो पार्ट होता है यही सबसे ज़्यादा वीक पोर्शन होता है और यही है साइट फॉर फीमोरल हार्निया। आप इसके कंटेंट क्या कहें, फीमोरल कैनाल कंटेन्स लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट। देखिए ये चीज़ हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि फीमोरल कैनाल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। वहाँ पे हमने आपको बताया था फीमोरल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड, और यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली हम आपको बता रहे हैं लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियलर टिश्यू ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंटेंट ऑफ, दे आर द कंटेंट ऑफ फीमोरल कैनाल, ठीक है। तो कंटेंट में हमने क्या क्या आपको बताया, लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन फीमोरल कैनाल, फीमोरल रिंग। द बेस ऑफ फीमोरल कैनाल इज नोन एज फीमोरल रिंग, डायमेंशन 1.5 सेंटीमीटर वाइड, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, शेप इज कोनिकल एंड इट इज द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फीमोरल शीथ। चलिए अभी नीचे चलते हैं। दस फीमोरल कैनाल इज द स्पेस इन द फीमोरल शीथ एंड द फीमोरल रिंग इज द अपर एंड ऑफ द फीमोरल कैनाल। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हर चीज़ डिस्कस कर देगा और आपकी हर चीज़ क्लियर कर देगा। डिस्कस तो मैं कर ही रहा हूँ, बाकी क्लियर कर देगा। क्या फीमोरल कैनाल एक ऐसा स्पेस है, क्या फीमोरल कैनाल इज द स्पेस इन फीमोरल शीथ, फीमोरल शीथ के अंदर स्पेस है फीमोरल कैनाल एंड द बेस या फिर कहते हैं अपर एंड ऑफ फीमोरल कैनाल इज नोन एज फीमोरल रिंग। ये वही तीन चीज़ों को क्लियर कर रहा है, फीमोरल कैनाल, फीमोरल शीथ, फीमोरल रिंग। तो बस टर्मिनोलॉजी से क्लियर रखिए हर चीज़ को, ज़्यादा डीप मत जाइए, ठीक है। बस अपनी टर्मिनोलॉजी क्लियर रखिए, फीमोरल शीथ क्या होती है, फीमोरल कैनाल क्या होती है एंड फीमोरल रिंग क्या होती है। तो इन तीन चीज़ों को अपने क्लियर रखिए। चलिए अभी आगे चलते हैं, और हाँ लास्ट में हम आपके साथ इसका पूरा डायग्राम शो कर देंगे जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में किया था। लेकिन अब हमारा जो पूरा जोर रहेगा आपके साथ डिस्कस करने का वो रहेगा फीमोरल कैनाल के ऊपर, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले फीमोरल रिंग के बारे में यहाँ पे बात चल रही है।
देखिए, एसक्यू का मतलब आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर फीमोरल रिंग सिर्फ पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, हमने सिर्फ वही लिखा है, उसकी बाउंड्री तो आपके साथ डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो वही पहला पॉइंट तो वही है जो आपके साथ डिस्कस हम कर चुके हैं, द बेस और द अपर एंड ऑफ द फीमोरल कैनाल इज कॉल्ड एज फीमोरल रिंग। ये हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या द बेस ऑफ अपर एंड ऑफ फीमोरल कैनाल इज कॉल्ड एज फीमोरल रिंग। अब व्हाट आर द बाउंड्री ऑफ दिस फीमोरल रिंग? देखिए, एंटीरियरली तो होती है ये इंगुइनल लिगामेंट, ये हम आपको पता ही है, अभी हम आपको दिखा भी देंगे। एंटीरियरली इंगुइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस एंड कवरिंग फेशिया, ठीक है, एंड मीडियली बाय द कॉनकेव मार्जिन ऑफ लेकुनर लिगामेंट। लेकुनर लिगामेंट आते हैं मीडियली फीमोरल रिंग के, एंड द लेटरली बाय द सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फीमोरल वेन। मतलब फीमोरल वेन से इसको जो सेपरेट करती है सेप्टा, वही इसको लेटरली करती है। मीडियली आपको लेकुनर लिगामेंट आ जाते हैं, पोस्टरली पीछे की तरफ आपकी पेक्टिनियस और इट्स कवरिंग फेशिया, एंड एंटीरियरली क्या आ जाता है? इंग्विनल लिगामेंट। देखिए, याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि बाउंड्री बहुत बार आपके साथ पूछ ली जाती हैं वाइवा में भी। ठीक है, व्हाट आर द बाउंड्री? एंटीरियरली, देखिए याद रखिए, एंटीरियरली इंग्विनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली इलियकस एंड इट्स कवरी, सॉरी इलियकस नहीं, पेक्टिनियस एंड इट्स कवरिंग फेशिया, मीडियली कॉनकेव मार्जिन ऑफ लेकुनर लिगामेंट, एंड लेटरली सेप्टम सेपरेटिंग फीमोरल वेन। अब व्हाट इज फीमोरल सेप्टम, ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। फीमोरल रिंग इज इंक्लोज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फीमोरल सेप्टम। देखिए, फीमोरल सेप्टम कुछ नहीं है, द फीमोरल रिंग इज इंक्लोज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, जिससे वो क्लोज रहती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं फीमोरल सेप्टम। एंड व्हाट इज फीमोरल फोसा? पेराइटल पेरिटोनियम कवरिंग द फीमोरल सेप्टम फ्रॉम अबव शो द डिप्रेशन इज नोन एज फीमोरल फोसा। मतलब वही कुछ नहीं, पेराइटल पेरिटोनियम कवरिंग द फीमोरल सेप्टम, ठीक है, उसके भी ऊपर जो पेराइटल पेरिटोनियम जो कवर करती है फीमोरल सेप्टम को, फ्रॉम अबव शो द डिप्रेशन एक दिखता है, उसी को हम कह देते हैं फीमोरल फोसा। फीमोरल सेप्टम हमने आपको बताई थी, फीमोरल रिंग इज क्लोज बाय कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज नोन एज फीमोरल सेप्टम। ठीक है, और उसकी वॉल हमने आपके साथ, वॉल कह रहे हैं बाउंड्री आपके साथ सारी शेयर कर ली। ठीक है, और हमने आपके साथ अब पूरा का पूरा फीमोरल ट्रायंगल्स रिलेटेड जितना भी पोर्शन था वो अब आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है, चाहे वो फीमोरल कैनाल हो, फीमोरल रिंग हो, फीमोरल शीथ हो, एंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, और हाँ, अब हमें आपके साथ जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपके साथ क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कहा था हम आपको डायग्राम शो करेंगे, तो पहले हम आपको डायग्राम शो करा देते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले एक बार जल्दी से क्विक रिविजन लगा लीजिए। बाउंड्री हमने आपसे क्या बताई, एंटीरियरली इंग्विनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस एंड इट्स कवरिंग फेशिया, मीडियली हमने आपको क्या बताई, कॉनकेव मार्जिन ऑफ लेकुनर लिगामेंट, लेटरली बाय सेप्टम सेपरेटिंग फ्रॉम द फीमोरल वेन, फीमोरल सेप्टम हमने बता दिया, फीमोरल फोसा हमने आपको बता दिया, और उससे पहले भी हमने आपको मतलब पूरा का पूरा फीमोरल कैनाल के बारे में बता दिया था। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा रिविजन चाहते हैं उस डायग्राम को देखने से पहले, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर सकते हैं, बैक में जाके वीडियो को बैकवर्ड में जाके देख सकते हैं, जो भी हमने अभी तक आपके साथ चीज़ें डिस्कस की, तो उससे चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। चलिए, अब चलते हैं डायग्राम आपको शो कर। तो चलिए, ये वीडियो हम आपसे इससे पिछले उसमें भी डिस्कस कर चुके थे वीडियो में। ठीक है, लेकिन अब आज का जो मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगा वो सिर्फ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या, सिर्फ फीमोरल कैनाल जो आज हमने आपके साथ डिस्कस की। देखिए, मैं एरो से शो करूँगा, देखिए एक ये ये ये, देखिए जो ये मैंने आपको एरिया पूरा शो कराया है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, फीमोरल कैनाल। इसी के अंदर जो पूरा का पूरा जो एरिया कवर्ड हो रहा है, उधर लिखा भी हुआ है फीमोरल कैनाल, ये देखिए जो ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, मीडियल साइड में फीमोरल कैनाल विद लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फ नोड कौन कौन से हमने आपको बताया, लिम्फेटिक्स होता है, लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट होता है, एंड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियोलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। देखिए, अब जो ये जो पोर्शन है ये पूरा, अब मैंने आपको पूरा गोल करके दिखा दिया। ठीक है, ये जो पोर्शन है यही आपकी फीमोरल कैनाल, इसी के अंदर सारे के सारे ये स्ट्रक्चर्स जो कंटेंट मैंने आपको बताए। अब मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा फीमोरल रिंग के बारे में, तो फीमोरल कैनाल समझ आ गई होगी आई होप। ठीक है, अगर आया तो वीडियो पे लाइक जरूर करना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फीमोरल रिंग। देखिए, ये जो पोर्शन अब मैंने आपको दिख रहा है ऊपर का, एक बार आपको ये वाला जो पोर्शन है ये, आई होप ये अब क्लियर हुआ होगा, ये जो अपर पोर्शन ऑफ फीमोरल कैनाल इज नोन एज फीमोरल रिंग, और इसकी बाउंड्रीज मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका था, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियली, लेटरली, देखिए लेकुनर लिगामेंट याद रखें, लेटरली में तो कोई नहीं सेप्टम ही आ जाती है, और एंटीरियर पोस्टीरियरली भी उसको याद रखें कि इंगुइनल लिगामेंट आती है। ठीक है, एंटीरियरली, बाकी जो भी बाउंड्री आपके साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो आप उसको याद रखें। तो आई होप
अब आपको फिमोरल ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बचता है इसका क्लिनिकल, जो कि हम आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यार कल आपसे हमने पूछा था कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं हिस्टोलॉजी की प्लेलिस्ट आए या नहीं आए, कमेंट अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं आए मेरे पास, एक दो के ही आए। यार देखो अगर हमारे पास हैं 1K होने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, तो यार अगर 1K हैं तो उसमें से एटलीस्ट 100 कमेंट्स तो करो यार, ठीक है? तो तभी तो यार उसको लाने में थोड़ा मज़ा भी आएगा, है ना? बाकी तो यार व्यूज़ भी 100 ही आते हैं, तो 100 बच्चे ही देख रहे हैं, तो वो 100 तो अपनी बात रख सकते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो रख दो यार, ठीक है? अगर रख देंगे तो ठीक है, आएगी हिस्टोलॉजी की प्लेलिस्ट। नहीं तो फिर जो वो वीडियो शूट हो, एक वीडियो शूट हुआ है, ठीक है, अगर आप लोग उस पर अपना प्यार दिखाएंगे तो आगे भी वीडियो शूट हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि कंटेंट बनाने में ज़्यादा देर लगती नहीं है, ठीक है? तो बाकी मेहनत हम कर ही रहे हैं, डेली आपके लिए एक वीडियो ला ही रहे हैं, ठीक है यार। लेकिन अब ये था पूरा फीमोरल ट्रायंगल, और शायद ख़त्म भी हो गया है। कल बस आपके साथ क्लिनिकल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आपके साथ कल के वीडियो में, और बस कल पूरा फीमोरल ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे एडक्टर कैनाल, हंटर कैनाल, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोअर लिम्ब के बस हम आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, पूरा कंटेंट पसंद आया, तो वीडियो पे लाइक किए बगैर मत जाना यार, ठीक है? और कुछ सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार वीडियो पे लाइक तो करें ही करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो वीडियो हमारे चैनल पर आए वो आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि उन लोगों के पास भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जाएँ, ठीक है? और बाकी इस चैनल को सपोर्ट देते रहें, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।